हेलो गाइस, वेलकम बैक टू त्रिदेव इन्वेस्टमेंट लाइव। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करें और अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें। फ्रेंड्स, अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अगर आपको शेयर को बाय करने में प्रॉब्लम होती है, इसमें प्रतिदिन आपके साथ एक शेयर डिस्कस करता हूं, आपको कंफर्म भी कराता हूं। इतने सारे लिस्ट, इसमें आप सेकंड फर्स्ट लिस्ट और सेकंड लिस्ट आ सकते हैं, इसमें आपको वो शेयर मिल जाएंगे। आप ये वीडियोज देखें फ्रेंड्स। अगर आप बाय ऑन डिप्स के लिए शेयर करना चाहते हैं, अगर शेयर को आप बाय ऑन डिप्स करना चाहते हैं, तो फ्रेंड्स आप ये फर्स्ट वाले लिस्ट को देखें। अगर आप सेकंड वाले लिस्ट वाले शेयर को बाय कर सकते हैं, आपके साथ यूनाइटेड फॉस्फोरस लिमिटेड के शेयर के बारे में डिस्कस करने वाला हूं। तो गाइस, इसमें हम ये देखेंगे कि ये जो शेयर है, हमें बाय करने का सिग्नल दे रहा है या फिर सेल करने का सिग्नल, और हम इसमें ये भी देखेंगे कि ये जो शेयर है बुलिश ट्रेंड में है अभी या फिर बियरिश ट्रेंड में। अगर ये बुलिश ट्रेंड में है तो कल जो मार्केट जब ओपन होगा तो ये बियरिश ट्रेंड बनाएगा या फिर बुलिश ट्रेंड ही बनाएगा। अगर ये बियरिश ट्रेंड में है तो कल का जो मार्केट ओपन होगा उसमें ये बियरिश ट्रेंड बनाएगा ही या फिर बुलिश ट्रेंड बनाएगा। ये बुलिश ट्रेंड बनाता है तो इसका टारगेट क्या हो सकता है, और इसका अगर ये जो बियरिश ट्रेंड बनाता है तो इसका सपोर्ट क्या हो सकता है, इसमें ये क्लियर करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इस वीडियो में ये 5 पॉइंट डिस्कस करने वाला हूँ। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं, फर्स्ट में फ्रेंड्स आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा इसका ओपन, लो, हाई और क्लोज में डिस्कस करूंगा। नंबर सेकंड में फ्रेंड्स मैं आपके साथ इसका सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस, मैंने आपको बताया था फ्रेंड्स, अगर ये डाउन ट्रेंड बनाता है, अगर ये बियरिश ट्रेंड बनाता है तो इसका सपोर्ट क्या हो सकता है, और अगर यहाँ से ये बुलिश ट्रेंड बनाता है तो इसका रेसिस्टेंस क्या हो सकता है, इसमें हम ये देखेंगे। नंबर थर्ड में फ्रेंड्स इसका मूविंग एवरेज देखेंगे, 20 डे का, 50 डे का और 100 डे का मूविंग एवरेज लगाकर मैं आपको क्लियर किया हूँ कि ये जो शेयर है अभी बियरिश ट्रेंड बना रहा है या फिर बुलिश ट्रेंड बना रहा है, ये हमें बाय का सिग्नल दे रहा है फिर सेल का सिग्नल दे रहा है। और फ्रेंड्स, नंबर फोर में हम ये भी क्लियर करेंगे कि आरएसआई को क्लियर करेंगे, आरएसआई भी हमें बाय का सिग्नल दे रहा है या फिर सेल का सिग्नल दे रहा है, ये देखेंगे। नंबर फाइव में फ्रेंड्स एमएसईडी को देखेंगे, एमएसईडी भी हमें बाय का सिग्नल दे रहा है या फिर सेल का सिग्नल दे रहा है, और फ्रेंड्स ये हमें क्लियर करेगा कि ये जो शेयर है अभी अप ट्रेंड में चल रहा है या फिर डाउन ट्रेंड में चल रहा है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इसका लास्ट कैंडल का जो ओपन प्राइस है फ्रेंड्स, ये 656 का है। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, इसका जो हाई जो है ये भी 656 का रहा है, और फ्रेंड्स इसने जो लो बनाया है वो 630 का बनाया है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इसका जो लास्ट क्लोजिंग प्राइस है ये 634 का रहा है, और फ्रेंड्स अभी ये जो है -2.56% से सर ये जो शेयर है डाउन में चल रहा है। गाइस, इसको आप चार्ट पे समझते हैं, देखिए फ्रेंड्स मैंने वन डे के कैंडल के साथ यूपीएल का चार्ट लगा रखा है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इसने जो लास्ट जो कैंडल बनाया है ये अभी बियरिश कैंडल बनाया है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये अभी -2.56 से जो है ये डाउन पे चल रहा है। फ्रेंड्स, इतना परसेंट से अभी डाउन में चल रहा है, और लास्ट कैंडल आप देख सकते हैं इसने बियरिश बनाया। तो अगर फ्रेंड्स इसी तरह आगे बनाता है अगर कैंडल बियरिश का, तो फ्रेंड्स हो सकता है ये अपना फर्स्ट जो इसका सपोर्ट है अपना ये इसको अचीव करे 594 का, और फ्रेंड्स अगर उसी तरह अगर इसको ब्रेकआउट करके आगे ब्रेकडाउन करके आगे बढ़ता है तो फ्रेंड्स इसका सेकंड सपोर्ट हो सकता है 533 का। बाय चांस फ्रेंड्स अगर ऐसा ना हो कि ये आगे बढ़े, ऐसा तो होना नहीं चाहिए फ्रेंड्स, क्योंकि ये लंबा हो सकता है, ये काफी शेयर डाउन में फिर जा सकता है। अगर फ्रेंड्स अगर यहाँ से बियरिश ट्रेंड बनाता है तो इसका फर्स्ट टारगेट फ्रेंड्स आप देख सकते हैं 663 का है। अगर ये फर्स्ट टारगेट को अगर क्रॉस करते हुए आगे बढ़ता है फ्रेंड्स, इसको अगर ब्रेकआउट करके आगे बढ़ता है तो फ्रेंड्स आपके सामने टारगेट को भी देख सकते हैं। फ्रेंड्स, बात करते हैं अगर इसके मूविंग एवरेज की, तो देखिए फ्रेंड्स मैं आपको अगर और जूम करके दिखाता हूँ। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये जो ब्लू वाला लाइन है ये 20 डे का मूविंग एवरेज है। फ्रेंड्स, ये जो येलो कलर का लाइन है ये 50 डे का मूविंग एवरेज है, और ये जो रेड वाला लाइन है फ्रेंड्स 100 डे का मूविंग एवरेज है। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स इसने 20 का मूविंग एवरेज को अभी तक टच नहीं किया, फ्रेंड्स अभी थोड़ा ऊपर है। तो फ्रेंड्स अगर ये आगे बढ़ता है, अगर बियरिश ट्रेंड बनाता है, तो फ्रेंड्स ये अपना 20 डे का मूविंग एवरेज को जो है सपोर्ट बना सकता है। अगर फ्रेंड्स इसको ब्रेकआउट करके ब्रेकडाउन करके आगे बढ़ता है तो फ्रेंड्स हो सकता है ये 50 के मूविंग एवरेज को भी अपना सेकंड सपोर्ट बनाए। फ्रेंड्स अभी ये 20 डे के मूविंग एवरेज को सपोर्ट बनाने वाला है, बट अभी फ्रेंड्स ये ऊपर है, अभी इसने बनाया नहीं है, अभी 20 डे के मूविंग एवरेज को टच नहीं किया। तो फ्रेंड्स अभी ये तीन सपोर्ट आप इसका देख सकते हैं, 20 का, 50 का और 100 के मूविंग एवरेज का। फ्रेंड्स अगर बात करते हैं आरएसआई की, तो देखिए फ्रेंड्स मैंने आरएसआई लगा रखा है, और ये फ्रेंड्स आरएसआई का ग्राफ लगा हुआ है। आप देख रहे हैं फ्रेंड्स आरएसआई जो है अभी हमें सेल का सिग्नल दे रहा है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इसने रेड कैंडल बना रखा है, बियरिश कैंडल बना रखा है, तो फ्रेंड्स आरएसआई भी हमें क्लियर सिग्नल दे रहा है, अभी सेल का सिग्नल दे रहा है। तभी इसमें आरएसआई हमें बाय का सिग्नल नहीं दे रहा, तो अभी आपको शेयर को बाय नहीं करना है। फ्रेंड्स अभी ये सेल का सिग्नल दे रहा है, तो अगर आप सेल करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स आप सेल कर सकते हैं, लेकिन बाय अभी ना करें। फ्रेंड्स इसने हमें लास्ट बाय का सिग्नल आप देख सकते हैं, इसने यहाँ पे दिया था हमें बाय का सिग्नल, जो इसका सिग्नल फ्रेंड्स लास्ट बाय का सिग्नल यहाँ पे है 604 पे फ्रेंड्स, और अभी ये हमें लेकिन सेल का सिग्नल दे रहा है, बाय का सिग्नल नहीं दे रहा है। तो फ्रेंड्स अगर एमएसईडी को देखें, तो फ्रेंड्स देखिए मैंने एमएसईडी का भी लगा रखा है ग्राफ। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इसका ग्राफ, फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये जो एमएसईडी है हमें लेट सिग्नल देता है, लेकिन फ्रेंड्स आप देखने के बाद कह सकते हैं कि ये जो सिग्नल है हमें तुरंत ही सेल का सिग्नल देने वाला है। एमएसईडी जो है हमें सेल का सिग्नल देने ही वाला है।
अगर फ्रेंड्स आपको पता है कि लेट सिग्नल देता है तो इसलिए हम इसको 4 आवर में कन्वर्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स 4 आवर में कन्वर्ट करने के बाद हमें क्या सिग्नल देता है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं जो 4 आवर में कन्वर्ट करने के बाद फ्रेंड्स ये जो हमें सेल का सिग्नल कन्फर्म दे चुका है। तो फ्रेंड्स MACD हमें सेल का सिग्नल कन्फर्म दे चुका है। अगर सेल करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स आप कर सकते हैं, लेकिन 4 आवर में फ्रेंड्स अभी इसने क्लियर नहीं किया है। तो अगर सेल करना चाहते हो तो फ्रेंड्स आपको 4 आवर के लिए सही है फ्रेंड्स, आप 4 आवर का सिग्नल आपके लिए क्लियर है, आप सेल कर सकते हैं। 1 डे फ्रेंड्स इसने अभी हमें सेल का सिग्नल नहीं दिया है। फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कर दें और अगर चैनल पर नया तो फ्रेंड्स प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।